हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ली ह्यून का आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड उसे एक एनवेलप देता है जिसमें किलर का नाम था, और ली ह्यून से हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एनवेलप को खोल कर देखे। ली ह्यून पास में अपनी और लॉय जंग की सारी मोमेंट्स के बारे में सोचता है, जिनमें लॉय जंग ने उसे अपने मिन होने के काफी हिंट्स दिए थे। ली ह्यून कहता है कि अगर तुम ही मिन हो तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है। ली ह्यून अभी भी एनवेलप को खोल कर नहीं देखता। पुलिस स्टेशन में मिस चा ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि सीसीटीवी वाला पर्सन कौन है जिसने योंगजाय के साथ आई कॉन्टेक्ट भी किया था पर उसे बचाया नहीं। दूसरी तरफ ली ह्यून एनवेलप लेकर बेसमेंट में आता है और उसे खोलता है, पर फोटो देखने से पहले वो रिकॉर्ड्स चेक करता है। इस रिकॉर्ड्स में सारे विक्टिम्स के बीच एक सिमिलैरिटी थी कि इन सब ने अपनी लाइफ में किसी न किसी को छोड़ा था। ली ह्यून को रियलाइज होता है कि मैंने मुझे मारने की बजाय दूसरे लोगों को मारा था, पर अपने दिमाग में वो हर बार मुझे मारा था। तो अब ली ह्यून फोटो देखता है जो लॉयर जंग की ही थी। ली ह्यून को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी था ये जानकर कि उसका भाई मिन एक किलर बन गया है। ली ह्यून को लॉयर जंग की कुछ बातें याद आती है जो लॉयर जंग ने इंटेरोगेशन रूम में गई थी। तो ली ह्यून अपनी कार में बैठकर कहीं जाने लगता है और लॉयर जंग को बार बार कॉल भी करता है, पर लॉयर जंग फोन पिक नहीं करता। और उस समय वो अपनी कार में था और उसने किलर वाले कपड़े भी पहने हुए थे। दरअसल ली ह्यून को लगता है कि शायद अब लॉयर जंग योंगजाय की फैमिली को मारने वाला है, तो बस इसीलिए वो उसे रोकना चाहता था। तो अब ली ह्यून योंगजाय के घर पहुंचता है और उसे वहां पिक्चर कार्ड मिलता है। ली ह्यून जल्दी से आर्ट डायरेक्टर को कॉल करके उसे कहता है कि बैकग्राउंड चेक करते टाइम तुम्हें जो ड्रेस की लिस्ट मिली थी वो तुम मुझे जल्दी से सेंड कर दो। इसके बाद वो मिस चा को फोन करके उससे कहता है कि तुम योंगजाय के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। देन ली ह्यून लॉय जंग के आर्ट स्टूडियो पहुंचता है, जहां पर डबल हेडेड पेंटिंग्स देखकर उसे मिन की बचपन वाली ड्राइंग्स याद आती है। प्रेजेंट में लॉय जंग ली ह्यून के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और ली ह्यून स्लोली टर्न करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मिन हो। लॉय जंग कहता है कि तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला। ली ह्यून रोते हुए लॉय जंग से कहता है कि मैं बहुत लेट हो गया, आई एम सॉरी मिन। लॉय जंग कहता है कि हाँ बहुत देर हो गई। ली ह्यून लॉय जंग का हाथ चेक करता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, पर लॉय जंग समझता है कि शायद वो ये देख रहा है कि कहीं मेरे हाथों पर खून तो नहीं लगा। ली ह्यून उसे कहता है कि कहीं तुमने योंगजाय के पेरेंट्स को, पर नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लॉय जंग कहता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। ली ह्यून कहता है कि वो लोग इसके लायक नहीं है और ऐसे लोगों के लिए तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉय जंग कहता है कि तो क्या अगर मैं पहले से ही टूटा हुआ हूँ। और फिर वो गुस्से में ली ह्यून से ये भी पूछता है कि अगर मैं उस मोमेंट ही टूट गया था जब आपने मुझे छोड़ा था तो आप क्या करोगे। ली ह्यून रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। ये सुनकर लॉय जंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे छोड़ा था और मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ली ह्यून उसे एक्सप्लेन करने वाला था, पर लॉय जंग उसकी बात काट कर कहता है कि तुमने तो विश किया होगा ना कि मैं मर ही गया होता, तुमने तो मुझे पहचाना भी नहीं और मुझे जून यंग के साथ भेज दिया। ली ह्यून कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं भेजा था। लॉय जंग ली ह्यून का कॉलर पकड़ के कहता है कि आपने हमारा सीक्रेट जून यंग को बता दिया, जो हमने प्रॉमिस किया था कि आप किसी को नहीं बताएंगे, पर आपने मुझे धोखा दिया और मुझे जून यंग को दे दिया। तो अब हम पास देखते हैं, जहां पर अपना सीक्रेट बताने के बाद जून यंग ली ह्यून को उसका सीक्रेट पूछता है और ली ह्यून उसे बताता है कि मेरे डैड को लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, पर असली मॉन्स्टर मेरा छोटा भाई मिन है। दरअसल मिन बचपन में ही साइको वाले काम करता था जिसके बारे में सिर्फ ली ह्यून को पता था, और फिर ली ह्यून ने जून यंग को भी ये बता दिया। तभी प्रेजेंट में ली ह्यून को मिस चा की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैंने अभी योंगजाय की फैमिली को घर के अंदर जाते देखा और उनके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट भी की है। ये सुनकर ली ह्यून कॉल कट कर देता है। लॉय जंग कहता है कि आज मेरा मूड नहीं था इसीलिए मैंने उन्हें नहीं मारा। ली ह्यून उसे प्रॉमिस करने को कहता है कि आज के बाद अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम मुझे मार देना, क्योंकि तुम्हारा असली टारगेट तो मैं ही हूँ। लॉय जंग कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम ही मेरे असली टारगेट हो। ये सुनकर ली ह्यून का दिल जैसे टूट सा गया था और लॉय जंग की आंखों में भी आंसू थे। बाहर आकर ली ह्यून बहुत रोता है और स्टूडियो में बैठा मिन भी बहुत रो रहा था। मिन को नाराजगी थी कि उसका भाई उसे पहचान नहीं पाया और ली ह्यून को शर्मिंदगी थी कि उसकी वजह से उसका भाई एक बुरा इंसान बन गया। ली ह्यून अपने घर पहुंचता है और डेस्क पर ही सो जाता है। नींद में उसे बुरा सपना आता है जिसमें छोटा मिन किसी को दफना रहा था, और तभी उसकी जगह लॉय जंग आ जाता है जिसके पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
लीह्यून नींद से जागता है, जिसके पास पिस चा बैठी हुई थी, जो खुद नींद में थी और वो गिरने वाली थी, तो लीह्यून उसे संभाल लेता है और मिस चा सो जाती है। ऐसे ही लीह्यून मिस चा से बातें करने लगता है कि मेरा छोटा भाई मिन ही किलर है और मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए और अगर मैं कहीं भाग गया तो तुम। बस यही लीह्यून चुप हो जाता है और स्माइल करके वहां से चला जाता है। पर मिस चा ने सब सुन लिया था। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास लीह्यून की फोटो थी। दूसरी तरफ जून हो लॉय जंग के पास आकर पूछता है कि तुमने योंग जाय की फैमिली को क्यों छोड़ दिया। लॉय जंग जून हो से पूछता है कि क्या लीह्यून ने सच में मुझे छोड़ दिया था और मुझे आपके पास ही क्यों छोड़ा। जून हो उसे कहता है कि यही रास्ता हम सबके लिए ठीक था। ब्रेकफास्ट करते टाइम मिस चा कहती है कि मैंने सब सुन लिया था और अब तुम मुझे सच बता सकते हो। लीह्यून जानना चाहता था कि मिस चा सच्चाई को एज ए डिटेक्टिव बनकर सुनेगी या फिर एज ए फ्रेंड। मिस चा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात को सिर्फ मिस चा बनकर सुनूंगी। तो मिस चा उससे छोटे छोटे सवाल पूछती है, जैसे क्या तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया और क्या जून यंग ही उसे अपने साथ ले गया था और क्या तुम्हारा भाई किलर बन गया है। लीह्यून सारे सवालों का जवाब हाँ में देता है। दूसरी तरफ चोई ने पता कर लिया था कि सीसीटीवी में वो पर्सन योंग जाय की मॉमी थी, जिसने योंग जाय को पिटते हुए देखा था पर उसे बचाया नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन टीम योंग जाय की मॉम को अरेस्ट कर लेती है। ऑफिस में मिस चा लीह्यून की बातें याद करती है और अब हमें पूरी कन्वर्सेशन पता चलती है, जिसमें लीह्यून ने उसे बताया था कि जून यंग शुरू से हमारे साथ था। इसके बाद वो मिस चा को बेसमेंट में ले जाकर जून यंग की रिकॉर्डिंग सुनाता है और मिस चा जून यंग को बहुत गालियां निकालती है। मिस चा की आंखों में आंसू थे और वो लीह्यून से कहती है कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इस बेसमेंट में बंद रहना पड़ा। लीह्यून उसे बताता है कि अगर मेरे डैड को पता चल जाता कि मिन में साइको वाले सिम्टम्स है तो वो मिन को यहाँ पर बंद कर देते, पर मैंने ये सीक्रेट जून यंग को बता दिया और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता और मिन का हाथ जोर से पकड़ा होता तो वो आज ऐसा इंसान नहीं बनता। मिस चा लीह्यून को जोर से हग कर लेती है क्योंकि वो उसे समझ सकती थी। लीह्यून उसे थैंक यू बोलता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट डे लीह्यून लॉय जंग के स्टूडियो में बिना उसे बताए घुस जाता है और लॉय जंग उस पर गुस्सा करता है, पर लीह्यून उसे स्माइल करके कहता है कि मैं तो अब से ऐसा ही करूंगा और तुम्हें हर जगह फॉलो करूंगा। लॉय जंग पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम कुछ बदल सकते हो। लीह्यून कहता है कि मैं तो वही कर रहा हूँ। तो अब हम फिर से एक बॉडी को देखते हैं जिसके पास से एक पर्सन गुजरता है। पुलिस स्टेशन में लीह्यून के लिए एक एनवेलप आया था जो सनवू रिसीव करता है और वो इस एनवेलप को लीह्यून के टेबल पर फेंक देता है, जिसमें से फोटो बाहर आ जाती है। ये फोटो एक आदमी की थी जिसे रॉड से मारा गया था और ये वही था जिसे हमने पहले देखा। सनवू जल्दी से जिमी को उस डिलीवरी मैन के पीछे जाने को बोलता है पर वो डिलीवरी मैन जा चुका था। इस एनवेलप में एक नोट भी था जिस पर बाइबल की लाइंस लिखी हुई थी कि कैसे बेटे को अपने फादर के किए गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। तो पास बैठा चोई उन्हें लीह्यून के फादर के बारे में बताता है जो क्रिमिनल से पूछताछ करने का काम करते थे। सनवू कहता है कि ये पर्सन उनमें से भी कोई हो सकता है जिसे लीह्यून के फादर ने पकड़ा हो पर अब वो जेल से छूट गया हो। दूसरी तरफ जून हो लॉय जंग से पूछता है कि तुम अपने भाई से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, हालांकि वो खुद पहले इसके अगेंस्ट था। जून हो को पुलिस की कॉल आती है जो उसे नए केस के बारे में बताते हैं और ये सुनकर जून हो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जून हो और इन्वेस्टिगेशन टीम क्राइम सीन पर थी और ये मर्डर किसी होमलेस आदमी का हुआ था। जून हो बताता है कि शायद किलर का टारगेट कोई और है और ये बस उसकी वार्निंग है। कांग उसे बताता है कि एक एनवेलप लीह्यून के लिए आया था जिसमें इस आदमी की फोटो थी। लीह्यून अपने घर पर था जहाँ पर मिस चा सभी पर शक करी थी ये जानने के लिए कि इनमें से मिन कौन है, क्योंकि लीह्यून उसे कुछ नहीं बता रहा था। लीह्यून मिस चा से पूछता है कि क्या होगा अगर किसी ऐसे पर्सन का मर्डर हो जाए जो मरना डिजर्व करता है। मिस चा कहती है कि किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे पर्सन को मार दे। सनवू मिस चा को फोन करके बताता है कि हमारे पास न्यू मर्डर केस आया है जो शायद लीह्यून के लिए एक वार्निंग है। मिस चा ये बात लीह्यून को बताती है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस चा उसे कहती है कि तुम क्या 150 साल के बुढ़े आदमी की तरह पड़े हुए हो, चलो अब उठो। पर मिस चा से लीह्यून उठाया नहीं जाता तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चलने को बोलती है। पुलिस स्टेशन में कांग बताता है कि उन्हें इस मर्डर के पीछे क्रिमिनल योंग वू का हाथ लगता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल किलर है और सारे माफियाज का बॉस भी, जिसे 20 साल पहले मिस्टर ली ने अरेस्ट किया था। लीन कहता है कि ये तो बचपना हुआ कि अरेस्ट के 20 साल बाद मिस्टर ली के बेटे को मारने की कोशिश करना। सनवू कहता है कि ये किसी और के बारे में बात नहीं हो रही, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है लीह्यून। लीन कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा एक और पर्सन है जो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर कांग शॉक हो जाता है कि भाई कितने लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। लीह्यून टीम को लोकल न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को बोलता है। मिस चा लीह्यून के पीछे जाती है
और उसे अकेले काम करने से मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। किलर को पकड़कर लियन फिर से लॉयर जंग से मिलने जाता है और उसे कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम डैड के बेटे बनकर बड़े नहीं हुए बल्कि किसी और ने तुम्हें बड़ा किया है। दरअसल लियन को डर था क्योंकि ऐसे मिन की जान को भी खतरा हो सकता था अगर वो भी मिस्टर ली का बेटा बनकर बड़ा हुआ होता। लियन उसके साथ टाइम बिताने की कोशिश करता है पर लॉयर जंग मना कर देता है। जून हो अपने घर पर मिस्टर ली की डायरी पढ़ता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा बेटा मॉन्स्टर है। इसमें मिस्टर ली ने ये भी लिखा था कि अगर मैं थोड़ा ज्यादा केयरफुल होता तो वो लेडी बच जाती। ये किसी मर्डर सस्पेक्ट की गर्लफ्रेंड थी जो जेल से भाग गया था पर उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट करते टाइम वो मर गई। डायरी में इस केस के साथ में ही न्यूज़पेपर कटिंग्स भी थी। घर पर मिस्टा लियन के लिए गैस गन लाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मिस्टा कहती है कि सब ऑफिस में काम करें पर मैं घर जल्दी वापस आ गई क्योंकि तुम अकेले थे तो क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। लियन हंसता है और फिर कहता है कि नहीं और फिर वो बुक के पीछे हंसने लगता है। ऑफिस में कांग कहता है कि लियन अकेला रहता है और रात को उसे खतरा हो सकता है तो वो सनमुख को लेकर लियन के घर आ जाता है। लियन दरवाजा खोलने वाला था कि मिस्टा उसे कहती है कि अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो उन्हें गलत फहमी हो सकती है। मिस्टा जल्दी से विंडो से बाहर कूद जाती है। सनवो लियन से पूछता है कि यहाँ 2 कप है तो क्या यहाँ पर कोई आया था। लियन को झूठ बोलना पड़ता है और वो कहता है कि मैं बहुत लोनली फील कर रहा था तो मैं बस 2 लोगों की एक्टिंग करने लगा। बाहर अकेले वॉक करते मिस्टा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको फॉलो कर रहा है पर ये तो जूनहो था। जूनहो को देखकर मिस्टा को लियन की बात याद आती है जब लियन ने उसे बताया था कि जून यंग शुरू से ही हमारे साथ है। जून हो से बताता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ। मिस्टा जून हो के घर जाती है और उसे वहाँ पर जून हो की सारी बातें याद आती है क्योंकि वो शुरू से ही लियन में इंटरेस्टेड था। मिस्टा उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ। जून हो उसे परमिशन दे देता है पर उसे एक रूम में जाने से मना कर देता है ये कहकर कि इसमें मैन की कुछ चीजें हैं जो वो लड़कियों को नहीं दिखा सकते। जून हो मिस्टा को उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में मिस्टा उसे अपने मिसिंग फादर की स्टोरी सुनाती है और पूछती है कि क्या मुझे विश्वास करना चाहिए कि वो आज भी जिंदा होंगे या फिर उनका मर्डर हो गया होगा। जूनहो उसे फिलोसोफर की एक लाइन सुनाता है कि अगर तुम्हारे पास होप है तो उस होप में से खुशियां ही निकलेंगी और किसी ने कहा था कि उम्मीद सारी बुराइयों में से सबसे बुरी है क्योंकि ये सिर्फ दर्द को और बढ़ाती है। जूनहो उसे कहता है कि मुझे भी लगता था कि उम्मीद अच्छी होती है पर इस समय मुझे लग रहा है कि जैसे उम्मीद बहुत ही बुरी चीज है। घर पर सनवो और कांग सो गए थे और मिस्टा लियन को बताती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ। लियन उसे पूछता है कि कैसे। मिस्टा बताती है कि जून होने मुझे घर छोड़ा और मैं तुमसे अब बाद में बात करती हूँ। घर पर साफ सफाई करते टाइम मिस्टा को लियन की पिक्चर्स दिखती है जो उसने छुपकर क्लिक की थी। एक फोटो में मिस्टा को लॉयर जंग दिखता है जो लियन की तरफ ही देख रहा था। मिस्टा लॉयर जंग की बातें याद करती है जिसमें उसने बताया था कि मैं उस पर्सन को अक्सर देखता रहता हूँ पर उस पर्सन ने मुझे पहचाना भी नहीं। और फिर मिस्टा को लगता है कि कहीं लॉयर जंग ही मिन तो नहीं। जून हो लॉयर जंग को इस न्यू मर्डर केस के बारे में बताता है जो लॉयर जंग के फादर मिस्टर ली से रिलेटेड है। वो उसे बताता है कि मिस्टर ली ने 20 साल पहले योंग हो को अरेस्ट किया था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग रहा था पर भागते हुए उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। और उसके बाद योंग हो के ब्रदर ने मिस्टर ली को मारने की कोशिश की पर वो खुद मर गया इसीलिए योंग हो ने ली ह्यून को वार्निंग भेजी। लॉयर जंग समझ गया था कि किलर योंग हो ली ह्यून को मारना चाहता है और उसे ली ह्यून की बातें याद आती है जब उसने कहा था कि अच्छा हुआ कि तुम्हें डैड का नाम नहीं मिला। इससे लॉयर जंग को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसे लगता है कि ली ह्यून को अभी भी उसकी बहुत फिक्र है। पर जून हो खुद को योंग हो की जगह पर रखकर सोचता है और कहता है कि शायद ली ह्यून टारगेट नहीं है। जून हो कहता है कि योंग हो बदला लेने के लिए किसी ऐसे पर्सन को टारगेट बनाएगा जो ली ह्यून के लिए सबसे प्रीशियस है ठीक उसी तरह जैसे योंग हो ने अपने भाई और गर्लफ्रेंड की मौत देखी थी। लॉयर जंग के अकॉर्डिंग ये टारगेट मिस चा होगी पर जूनो कहता है कि तुम भी टारगेट हो सकते हो। पर लॉयर जंग के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं जानता कि वो मिन है मिस्टर ली का दूसरा बेटा। पर जूनो उसे बताता है कि जितना तुम सोचते हो क्रिमिनल्स को उससे ज्यादा पता होता है पर इस समय मिस चा के टारगेट होने के ज्यादा चांसेस है। दूसरी तरफ मिस चा को योंग वो की गर्लफ्रेंड वाला आर्टिकल मिल जाता है जो वो लियन को भेजती है। लियन को पता चलता है कि होमलेस आदमी को भी वैसे ही मारा गया जैसे योंग वो की गर्लफ्रेंड मरी थी। लियन भी शायद किलर के दिमाग को समझ गया था और वो मिस्टा को फोन करता है। मिस्टा फोन उठा लेती है और लियन जल्दी से उसे उसकी लोकेशन बताने को बोलता है पर कुछ बताने से पहले ही मिस्टा को किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो पीछे टर्न करती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, सी यू अगेन।